गुड मॉर्निंग क्लास टेंथ। आज अपन जो फर्स्ट चैप्टर है सूची पर्यावरण का सेकंड और थर्ड भाग पढ़ेंगे, यानी कि पद्यांश नंबर 2 और पद्यांश नंबर 3। तो पद्यांश नंबर 2 और 3 पढ़ेंगे, एक अपन ने पढ़ लिया था। अब इसके अंतर्गत अपन यहाँ पर सेकेंड प्रश्न गृह कार्य में से एक ही प्रश्न है, पूर्ण वर्गीय उत्तरण लिखकर, यानी 6 प्रश्न है, 6 प्रश्न आपको गृह कार्य में नोटबुक में करने हैं। और जो मैं आपको श्लोक पढ़ाऊंगी, और उसका आपको हिंदी अर्थ समझाऊंगी और साथ में हिंदी अर्थ भी भेजूंगी, उसको क्या करना है, बार बार उसको अभ्यास करना है कि आप किस प्रकार उन शब्दों का हिंदी अर्थ निकाल कर उसको समझ सकें। और परीक्षा में उससे संबंधित अभ्यास प्रश्न भी आएंगे और उनको भी आपको करने पड़ेंगे, या तो हिंदी अर्थ आएगा या उससे संबंधित श्लोक दिया हुआ होगा, उससे संबंधित एक पदेन पूर्ण वाक्य न भाषिक कार्य संबंधी प्रश्न आएंगे। तब अपन इसका श्लोक संख्या 2 और 3 पढ़ेंगे। तो अपन चक्र नंबर 1 का सेकंड पैराग्राफ पढ़ेंगे। कज्जर मलिनम धूम मुंचति सट शक्ति यानम। कज्जल मतलब काजल के समान, मलिन यानी गंदा, धूम यानी धुआं, मुंचति यानी छोड़ती हुई, सत यानी सैकड़ों, शक्ति यानम यानी गाड़ियाँ, सैकड़ों गाड़ियाँ क्या कर रही हैं, काजल के समान मलिन या गंदा, धुआं छोड़ती हुई सैकड़ों गाड़ियाँ चल रही है। कहाँ चल रही हैं, महानगरों में। वाष्प यान माला, वाष्प यानी भाप छोड़ने वाली, माला यानी पंक्तिबद्ध, संधावती यानी तीव्र गति से दौड़ती हुई, वितरति यानी बांटती हैं, ध्वनम यानी ध्वनि। तो वाष्प यान माला का अर्थ होता है रेलगाड़ियाँ, वाष्पयान का अर्थ होता है रेलगाड़ियाँ, माला यानी पंक्तिबद्ध, रेलगाड़ियाँ पंक्तिबद्ध या रेलगाड़ियाँ अपनी तेज गति से चलती हुई आवाज़ को बांटती हुई या तेज आवाज़ निकालती हुई अपनी गति से, तेज गति से रेलगाड़ियाँ चल रही है। यानानाम पंक्तियों ह अन्यता, यानानाम यानी यानों यानी गाड़ियों की पंक्तियाँ यानी पंक्ति यानी गाड़ियों की पंक्तियाँ, अन्यता यानी असीमित, यानी कि कह सकते हैं अपन कि जो वाहन होते हैं, जो गाड़ियाँ होती है, जो सड़कों पर चलने वाली जो यातायात के साधन होते हैं, गाड़ियाँ होती है, वह पंक्तिबद्ध रूप से असीमित पंक्तिबद्ध रूप से चल रहे हैं। और ऐसे के अंदर इस परिस्थितियों में जीवन जीना बहुत ही कठिन संस्मरण, जीवन जीना बहुत कठिन हो गया है, यानी कि जीवन का संचालन करना, जीवन को चलाना, जीवन को जीना बहुत ही कठिन हो गया है। तो महानगरों के मध्य काजल के समान गंदा धुआं छोड़ती हुई सैकड़ों गाड़ियां निरंतर चल रही हैं और रेलगाड़ी तेज गति से अपनी तेज आवाज़ को छोड़ती हुई या तेज आवाज़ करती हुई रेलगाड़ी तीव्र गति से चल रही है। तो महानगरों में रेलगाड़ियां चलती हैं तो उनकी तेज आवाज़ दूर दूर तक सुनाई देती है, जिससे ध्वनि प्रदूषण होता है और जिसके कारण अनेक प्रकार की बीमारियां उत्पन्न हो जाती है। यानानाम पंक्तियों अन्यता कठिनम संसरणम, तो गाड़ियों की जो पंक्तियाँ हैं वह असीमित है और उसे पार करना या उससे अलग होना या उसमें से निकलना बहुत कठिन हो गया है। तो महानगरों की सड़कों के ऊपर यानों या यातायात के साधनों या गाड़ियों की पंक्तियाँ इतनी ज़्यादा है कि उनको पार करना भी कठिन है। और इस प्रकार महानगरों के अंदर इन यातायात के साधनों की पंक्तियों और सैकड़ों गाड़ियों से निकलते हुए धुओं के बीच में और रेलगाड़ी की तेज आवाज़ के बीच में मनुष्य का जीवन कठिन हो गया है। इसके बीच में जीवन जीना हमारे लिए कठिन हो गया है, ऐसे वातावरण में हम जीवन नहीं बिता सकते हैं। अब अपन तीसरा पैराग्राफ पढ़ेंगे। वायुमंडलम श्लोक पद्यांश पढ़ेंगे। वायुमंडलम रंसम दूषितम न ही निर्मलम जलम। तो हमारा जो प्रकृति है पूर्णतया प्रदूषित हो चुकी है, उसमें वायुमंडल रंसम, वायुमंडल अत्यधिक प्रदूषित है, गंदा है। न ही निर्मलम जलम, तो हमारी पृथ्वी पर न ही निर्मल जल, निर्मल यानी पवित्र या शुद्ध जल नहीं है। हमारी पृथ्वी पर वायुमंडल अत्यधिक मात्रा में प्रदूषित हो गया है
और हमारा जो जल है वह भी निर्मल नहीं है, वह भी प्रदूषित हो गया है, न ही निर्मलम, और धरती पर कहीं भी निर्मल या शुद्ध पानी नहीं है। कुत्सित वस्तु निश्चित, कुत्सित यानी कोई भी, कुत्सित का अर्थ होता है दूषित, दूषित पदार्थ, कुत्सित का अर्थ क्या होगा, दूषित वस्तु मिश्रित, सभी वस्तुएं कैसी हो गई है, प्रदूषण से मिश्रित हो गई है, यानी कि जो भी हमारे खाने पीने की जो वस्तुएं हैं उन सभी में प्रदूषण मिल चुका है, उन सभी में मिलावट हो गई है, उस वह सभी प्रदूषित है। कुत्सित यानी दूषित पदार्थ, यह अपन कह सकते हैं दूषित वस्तु मिश्रित यानी किससे हो गई है, पर्यावरण प्रदूषण से, प्रदूषण से कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जो शुद्ध है, स्वच्छ है, वह सभी वस्तुएं प्रदूषण से मिश्रित हो गई, सभी प्रदूषण युक्त हो गई है। भक्ष्य यानी जिसको अपन खाते हैं। समलम धरातलम, और संपूर्ण पृथ्वी का जो धरातल है वह कैसा हो गया है, समलम, समलम यानी गंदा हो गया। करणीय बहिर, बहिरान जगति, करणी यानी करना है, बहिर यानी बाहर, अंतर जगति, जगति यानी संसार, अंतर यानी अंदर कि संसार को बाहर और अंदर से, तू यानी तो, बहु यानी बहुत या बहुत ज़्यादा या अत्यधिक, शुद्धिकरणम, शुद्धिकरण करना है, शुद्ध करना है, तो कि संसार, संसार को बाहर और अंदर से, तो बहुत ज़्यादा या अत्यधिक शुद्धिकरण करना है। तो वापस पढ़ेंगे इसको, वायुमंडलम दंसम दूषितम, वायुमंडल अत्यधिक दूषित हो गया है, इस कारण न ही निर्मलम जलम, और न ही धरती पर निर्मल या शुद्ध जल है। तो हमारी धरती पर जो वायुमंडल है वो प्रदूषित हो गया है, और हमारी धरती पर जो जल है वह भी कैसा है, अपवित्र है, दूषित है, निर्मल जल नहीं है। कुत्सित वस्तु मिश्रित, दूषित वस्तु मिश्रित, अब हम जो भी वस्तु भक्ष्य यानी खाते हैं, हम कोई भी वस्तु खाते हैं, वस्तु कैसी होती है, प्रदूषित, प्रदूषण युक्त होती है या प्रदूषित होती है। समलम धरातलम, जो भी धरती है, धरती हमारी कैसी हो गई है, गंदी हो गई है, सभी प्रदूषित हो गई, यानी कि भूमि भी प्रदूषित हो गई है। बहिर करणीय बहिर अंतर जगति, तो बहु शुद्धिकरणम, तो संसार को बाहर और अंदर से तो बहुत अधिक शुद्ध करना है, इसलिए हमें अपने पर्यावरण को शुद्ध करना है, पर्यावरण को स्वच्छ रखना है। अब देखो इसके अंदर फर्स्ट सेकंड पैराग्राफ के प्रश्न दिए हुए हैं, धूमम कीदृशम अस्ति, धुआं कैसा होता है, कज्जल मलिनम, शत शक्ति यानम किम मुंचति, सैकड़ों गाड़ियाँ क्या छोड़ती है, सैकड़ों गाड़ियाँ कज्जल मलिनम धूमम, काला धुआँ छोड़ती है। वाहना नाम इति शब्द से समानार्थक पदम लिखकर इसका समानार्थ, वाहना नाम का समानार्थक यानी पर्यायवाची शब्द कौन सा होगा, याना नाम। पंक्ति शब्द की विशेषण पदम लिखकर पंक्ति शब्द का विशेषण पद कौन सा होगा, अनंता, जिसका अंत ना हो। कज्जल मनिलम धूमम मुंचति, अत क्रिया पदम किम, यहाँ क्रियापद कौन सा है, मुंचति। अब यहाँ पे है तीसरे पैराग्राफ के प्रश्न, वायुमंडलेन त्रिदशम, वायुमंडल कैसा है, दूषित है। नगरेषु त्रिदश भक्ष्यं मिलति, नगरों में कैसा खाने को मिलता है, कुत्सित वस्तु मिश्रितम निर्मितम भोजन मिलति। वायुमंडल दशम दूषितम, अत्र किम क्रियापद, यहाँ पे क्रियापद कौन सा है, दूषितम। समलम इति पदस्य विशेष्य कैसा है, धरातलम, स मलम का विलोम शब्द क्या होगा, निर्मलम। कवि किमर्थम प्रकृति शरणम गस्ति, कवि किस लिए प्रकृति की शरण में जाना चाहता है। कवि महानगर मध्य दुर्गा जीवनम दृष्टवा तस्मात भीत शुद्ध पर्यावरणाय प्रकृति शरणम इच्छति, तो कवि महानगर में जीवन कठिन जीवन को देखकर, दुष्कर जीवन को देखकर उससे डरा हुआ और शुद्ध पर्यावरण की ओर जाना चाहता है। अस्मात् कारणात् महानगरेषु संसरणम कठिन वर्तते, तो अहर्निश दिन रात लोहे के चक्र चलते हैं, यानों गाड़ियों की बहुलता है, और महानगरों में जीवन जीना कठिन हो गया है।
अस्माकं पर्यावरणे किं किं दूषितम् अस्ति, क्या क्या है? जल, वायुमंडल, जल, खाने की वस्तुएं, धरातल, सभी दूषित हैं। कवि कुत्र संचरणं कर्तुम् इच्छति, कवि ग्रामान्ते एकांते कांतारे, यानी कि गांव एकांत में, और कांतारे मतलब एकांत वन में घूमने की इच्छा रखता है। कवि गांव के बाहर एकांत वन में भ्रमण करना चाहता है। कवि ग्रामांते गांव के बाहर एकांत वन में घूमना चाहता है या घूमने की इच्छा रखता है। स्वस्थ जीवनाय कृदशी वातावरण भ्रमंती, स्वस्थ जीवन के लिए कैसा वातावरण में घूमना चाहिए? सूची वातावरण या सूची पर्यावरण। लास्ट दिया हुआ है अंतिम पद्यांश से कवि का कामना अस्ति, अंतिम पद्यांश से कवि कामना अस्ति यत निसर्गीय पाषाण सभ्यता समाविष्ट न स्यात्, कि प्रकृति में पाषाण युग की सभ्यता का समावेश नहीं होना चाहिए, यानी इमारतें नहीं होनी चाहिए, भवन निर्माण अधिक नहीं होना चाहिए, पेड़ पौधे प्रकृति होना चाहिए। तो अंतिम पद्यांश में कवि कामना है कि प्रकृति में पाषाण युग की सभ्यता का समावेश, यानी कि केवल इमारतें नहीं होनी चाहिए, प्राकृतिक सौंदर्य भी होना चाहिए, प्राकृतिक शरण में भी जाना चाहिए। तब अपन इसके जो अगले जो पैराग्राफ है यानी काव्यांश नंबर 4 और 5 अगली बार पढ़ेंगे, और इसके अभ्यास प्रश्न भी अपन अगली बार करेंगे।